रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक आर्यन के चंदू चैंपियन के 2 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, पिछले हफ्ते रिलीज हुई मुंजा के 9 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो पेन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्कि के वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार की सरफिरा, अजय देवगन की सिंघम 3 और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के भी बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजा के बारे में, तो दोस्तों मुंजा फिल्म को सिनेमाघरों में जहां इस वक्त दूसरा वीकेंड चल रहा है, लेकिन यह फिल्म दूसरे वीकेंड में भी कम स्क्रीन होने के बावजूद करती जा रही है शानदार कमाई, और ऐसा लग रहा है कि अब तो यह फिल्म 100 करोड़ के पहले नहीं रुकने वाली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस हफ्ते चंदू चैंपियन रिलीज हो गई और इसकी स्क्रीन कम कर दी गई, लेकिन कम स्क्रीन पर भी इस फिल्म का जो कलेक्शन है पूरी तरह से धमाकेदार होता जा रहा है। बताना चाहूंगा दोस्तों, मुंजा फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिन यानी कि पहले हफ्ते में ही 36 करोड़ 50 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी, वही 8वें दिन 3 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए, और इस फिल्म को आज यानी कि 9th day तो और भी बेहतर ऑक्यूपेंसी मिली और यह फिल्म अपने 9वें दिन 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों मुंजा का शुरुआती 9 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 44 करोड़ 80 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 53 करोड़ 31 लाख रुपए। 9 दिनों में फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 55 करोड़ 76 लाख रुपए की रेंज में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म दुनिया भर में 55 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है, और जैसे कि मैंने कहा यह फिल्म अब 100 करोड़ से पहले नहीं रुकने वाली। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बायोपिक ड्रामा फिल्म चंदू चैंपियन के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहा है कार्तिक आर्यन, फिल्म के डायरेक्टर है कबीर खान और फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नाडियाडवाला। बता दो दोस्तों, यहां पर चंदू चैंपियन फिल्म जिसका बजट 110 करोड़ रुपए है, और इस फिल्म को रिलीज होते ही पब्लिक की तरफ से जो रिव्यूज मिले हैं वो पूरी तरह से पॉजिटिव है, मतलब कि फिल्म की स्टोरी भी दमदार है, साथ ही साथ फिल्म में एंटरटेनमेंट और मोटिवेशन दोनों चीजें हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है, जिसके चलते ही फिल्म की जो 1st day की ओपनिंग है वो तो धीमी रही, लेकिन दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अच्छे रिव्यूज की वजह से ही ऐसा लग रहा है कि अब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबी चलेगी, और जब तक प्रभास की कल की रिलीज नहीं होगी तब तक यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक तगड़ी कमाई कर जाएगी। हालांकि बात करें यहां पर चंदू चैंपियन के 2 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, दोस्तों कार्तिक आर्यन के चंदू चैंपियन ने अपने पहले दिन 5 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की, जो कि हम सबकी उम्मीदों से थोड़ी कम रही, लेकिन दोस्तों दूसरे दिन सैटरडे होने की वजह से फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में तो कल की ही तरह रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन फिल्म के आफ्टरनून इवनिंग और नाइट शोज की जो बुकिंग रही वो पहले दिन के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक चंदू चैंपियन फिल्म अपने 2nd day 6 करोड़ 50 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों चंदू चैंपियन फिल्म का शुरुआती 2 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 12 करोड़ 20 लाख रुपए का हो रहा है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 14 करोड़ 51 लाख रुपए। यह फिल्म 2 दिनों में ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 3 करोड़ 50 लाख रुपए की रेंज में कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों चंदू चैंपियन फिल्म का 2 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 18 करोड़ रुपए हो रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, फिल्म 2 दिनों में दुनिया भर से लगभग 18 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, और कल है संडे तो पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि कल इस फिल्म के कलेक्शन में और भी बड़ा जंप देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें सुपरस्टार प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी की बिग बजट फिल्म कल्कि के बारे में, तो दोस्तों कल्कि फिल्म इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के पहले ही धड़ाधड़ रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कल्कि जो कि रिलीज होगी 27 जून को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में, और दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो 1 हफ्ते पहले विदेशों में USA, कनाडा और UK में शुरू कर दी गई थी, और अब धीरे धीरे ओवरसीज मार्केट के ढेर सारे
देशों में फिल्म की बुकिंग पूरी तरह से शुरू हो गई है। हालांकि दोस्तों यहां पर फिल्म को ओवरसीज मार्केट में एडवांस बुकिंग से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे देखकर तो लगता है कि ये फिल्म 2024 की इंडियन सिनेमा के तरफ से सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। क्योंकि दोस्तों फिल्म को रिलीज होने में जहां अभी पूरे 12 दिन बाकी है, लेकिन 12 दिन पहले ही इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह बता दें कि फिल्म जहां इंडिया में 27 जून को रिलीज होगी, वहीं इस फिल्म का यूएसए में प्रीमियर एक दिन पहले यानी कि 26 जून को रखा जाएगा। यहां पर बात करें कल की फिल्म के ओवरसीज के टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों 26 जून यानी कि प्रीमियर की इस फिल्म की जो बुकिंग है ओवरसीज से $1.28 million की हो चुकी है। वही फर्स्ट डे प्लस प्रीमियर की जो बुकिंग है वो $1.57 million की हो गई है। वही दोस्तों फिल्म की जो वीकेंड की बुकिंग है यानी कि शुरुआती 4-5 दिनों की वो हो गई है $1.73 million की, जिन्हें अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 14,45,00,000 रुपए होते हैं। जी हां दोस्तों, फिल्म ने रिलीज होने के 12 दिन पहले ही विदेशों से एडवांस बुकिंग में 14,45,00,000 रुपए की शानदार कमाई कर ली। और जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट पास आएगी वैसे ही इस फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन में एक बड़ा उछाल मिलने की उम्मीदें हैं। अब देखते हैं यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 150 करोड़ कमाती है या 200 करोड़। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा के बारे में, तो दोस्तों सुधा कोनगरा के डायरेक्शन में बनी फिल्म सरफिरा, जिस फिल्म को रिलीज किया जाना है 12 जुलाई को, इस फिल्म के रिलीज में अब समय बचा है लगभग 3 हफ्ते का। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म का पोस्टर कल ही रिलीज हुआ है, साथ ही साथ सुपरस्टार अक्षय कुमार ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि इस फिल्म का ट्रेलर आप सबको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अक्षय कुमार और राधिका मदन की फिल्म सरफिरा का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो रिलीज होने वाला है 18 जून को, यानी कि आज से सिर्फ 2 दिनों बाद। तो देखते हैं इस फिल्म के ट्रेलर में क्या अलग सा देखने को मिलता है, और बड़े मियां छोटे मियां के बाद अक्षय कुमार की ये दूसरी इस साल रिलीज होने वाली फिल्म है, तो सरफिरा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होती है या नहीं। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें 2024 के बॉलीवुड की तरफ से रिलीज होने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म सिंघम 3 के बारे में, रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंघम 3, जिस फिल्म में एक बार फिर से बाजीराव सिंघम के किरदार में हमें अजय देवगन देखने को मिलेंगे, वही सूर्यवंशी यानी कि अक्षय कुमार और सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह, साथ ही साथ इस फिल्म में दीपिका पादुकोण करीना कपूर भी नजर आएगी, और इस फिल्म में एक दमदार केमियो रहने वाला है टाइगर श्रॉफ का एज सत्या। तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले सिंघम 3 रिलीज होने वाली थी 15 अगस्त के मौके पर, लेकिन फिल्म की शूटिंग अभी तक लगातार चलती जा रही है, जिसके चलते इस फिल्म को पोस्टपोन पहले ही कर दिया गया था। लेकिन जितने भी सिंघम फिल्म के फैंस है वो वेट कर रहे थे कि अगर इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट कब अनाउंस होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर सिंघम 3 की जो ऑफिशियल रिलीज डेट है वो अनाउंस हो चुकी है दिवाली। जी हां दोस्तों, इसी साल यानी कि 2024 की दीपावली पर आपको सिंघम 3 बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी, और मुझे पूरा यकीन है कि यह फिल्म इस साल बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने का दम रखती है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि सिंघम 3 के साथ ही यहां पर दीपावली के मौके पर कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया 3 भी रिलीज होगी। तो आप देखते हैं भूल भुलैया 3 और सिंघम 3 में बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर बनती है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के बारे में, तो दोस्तों पुष्पा 2 जिस फिल्म को रिलीज किया जाना था 15 अगस्त के मौके पर, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में यह खबर आई थी कि पुष्पा 2 अब 15 अगस्त के मौके पर नहीं रिलीज होगी, और इसका मौका का फायदा उठाते हुए बॉलीवुड की 3 फिल्में 15 अगस्त के मौके पर अनाउंस हो चुकी है। सबसे पहले तो यहां पर जॉन अब्राहम की वेदा, उसके बाद अक्षय कुमार की खेल खेल में, और कल ही स्त्री 2 के मेकर्स ने भी यह अनाउंस कर दिया है कि अब स्त्री 2 भी रिलीज होगी 15 अगस्त के मौके पर, क्योंकि सबको क्या लगा था कि पुष्पा 2 अब 15 अगस्त पे रिलीज नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जहां एक तरफ यह 100% कंफर्म हो चुका है कि पुष्पा 2 15 अगस्त पर नहीं रिलीज की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ कल ही पुष्पा 2 के जो मेकर्स हैं उन्होंने फिर से एक बार ये इशारा किया है कि पुष्पा 2 15 अगस्त पर ही आएगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर पुष्पा 2 के जो मेकर्स हैं उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था जहां पर उन्होंने इस फिल्म के सॉन्ग के 100 मिलियन व्यूज पूरे होने की खुशी जताई थी, साथ ही साथ उन्होंने फिर से कंफर्म कर दिया कि अब पुष्पा 2 ही 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होगी। जहां दोस्तों एक तरफ बॉलीवुड वालों को लगा था कि 15 अगस्त पर पुष्पा 2 नहीं आएगी, तो उन्होंने 3-3 फिल्में इस रिलीज डेट पर अनाउंस कर दी, लेकिन पुष्पा 2 के मेकर्स फिर से कंफर्म कर रहे हैं कि
भैया पुष्पा 2 तो 15 अगस्त पर ही रिलीज होगी। तो अब देखते हैं दोस्तों 15 अगस्त पे अगर पुष्पा 2 आती है तो उसके सामने अक्षय कुमार की खेल खेल में, जॉन अब्राहम की वेदा और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 रिलीज हो पाती है या नहीं। दोस्तों मान लीजिए कि अगर पुष्पा 2 भी 15 अगस्त को आती है और अक्षय कुमार की खेल खेल में, जॉन अब्राहम की वेदा और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 भी, तो आपको क्या लगता है इन चारों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल एकेबी मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।